हेलो गाइस, मैं निवेश स्वागत करता हूं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आपने सिनेमैटिक शॉट में देख लिया है, आज मैं लेके आया हूं द मोस्ट अफोर्डेबल एंड्रॉइड फोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। सो गाइस, ये है बेनको Y40। हुआ क्या कि मैं अपने घर पे एक सीनियर सिटीजन है, उनको एक नया एंड्रॉइड फोन चाहिए था। तो उनको ना ज्यादा बड़े स्क्रीन साइज का नहीं चाहिए था, ऐसा फोन चाहिए था जो वो एक हाथ से यूज कर पाए एंड बेसिक फीचर्स हो, ज्यादा उन्हें महंगा फोन नहीं चाहिए था। मैंने बहुत रिसर्च किया ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो जब मैंने मार्केट पे गया तो देखा कि एक फोन काफी ज्यादा भी चल रहा है एंड लोकली लोग बहुत ज्यादा इस फोन को लेना पसंद कर रहे हैं। तो ये है बेनको के तरफ से आता है Y40, इसका मॉडल नंबर है एंड इसके अंदर आपको 32GB का बिग स्टोरेज देखने को मिलता है। इसकी प्राइसिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के सबसे लास्ट में, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको इसके सारे फीचर्स बता दूंगा कैसे हैं। जब आप लास्ट में इसका प्राइस जानोगे ना, तो आप अमेज्ड रह जाओगे कि यार इतने सारे फीचर्स इतने कम प्राइस में कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया, तो मैंने अनबॉक्स करके टेस्ट करके लिया है, बट मैंने फिर से रीपैक कर दिया आपके सामने अनबॉक्स करके दिखाने के लिए कि ताकि आप जब इसे पहली बार लोगे तो किस तरीके से आपके पास पैकिंग होके ये आएगा। तो ये गाइस, सबसे पहली बात कि ये मेड इन इंडिया ब्रांड है। सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का ओवरव्यू दे देता हूं। फ्रंट में फोन का डिजाइन बना हुआ है एंड ऊपर में बेनको Y40 लिखा हुआ है, नीचे फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी के साथ ये आता है। राइट साइड में आप देख सकते हो 3-in-1 यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए। सबसे पहला चीज, 1 time स्क्रीन रिप्लेसमेंट इसमें दिया गया आपको। अगर आपके फोन में 100 days के अंदर अगर आपका फोन का स्क्रीन डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो फिर आपको रिप्लेस करके दिया जाएगा। 100 days का रिप्लेसमेंट है मोबाइल फोन का। अगर 100 दिन के अंदर आपका मोबाइल फोन खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आने लगती है, तो बना के नहीं दिया जाएगा, आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा नए पीस के साथ। एंड इस डिवाइस में आता है 1 year का वारंटी। बॉक्स के लेफ्ट साइड में बात करूं तो बेनको लिखा हुआ है एंड नीचे मेड इन इंडिया का ब्रांडिंग है। ऊपर साइड में यहाँ पे IMEI नंबर है, नीचे प्राइसिंग लिखा हुआ है। बॉक्स के पीछे आ जाए तो बेनको Y40 1GB 32GB ये है, 1GB का रैम एंड 32GB स्टोरेज के साथ आता है। 5 inch का ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलता है, 5 MP रियर कैमरा है, 2 MP फ्रंट कैमरा है, 32GB का बिग स्टोरेज है, 2500mAh का बैटरी मिल जाता है, फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का इसके सिक्योरिटी आपको मिल जाता है देखने को एंड डिस्प्ले प्रोटेक्शन फिल्म इसके साथ दिया गया है। तो चलो बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कैसे पैकिंग करके सब कुछ आएगा। तो ये रहा, तो ये रहा गाइस, देख सकते हो इस तरीके से। सबसे पहले टॉप में हमें हमारा फोन देखने को मिलता है एंड वेट की बात करो तो लाइट वेट है। एक हमें यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके का बॉक्स, जिसके अंदर निकलता है एक निकलता है इसके अंदर से बैटरी 2500mAh का बेनको का पतला सा, यानी कि इसका रिमूवेबल बैक है, आप बैक पैनल को खोल के बैटरी खुद से लगा सकते हो। एक हमें मिल जाता है यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन फिल्म, एक आपको मिल जाता है ये प्लास्टिक वाला प्रोटेक्शन, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ तो मिल रहा है, आप इसे लगा सकते हो। एंड आपको एक सिलिकॉन TPU केस मिल जाता है, नॉर्मल क्वालिटी का है, तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि नया फोन है ना, तो अभी मार्केट में इसका बैक कवर ये सब जल्दी आया नहीं, इसलिए बॉक्स में इंक्लूड करके आपको मिलता है। और हमें देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर एक चार्जर, ब्लैक कलर का ये चार्जर है एंड वेट भी ठीक ठाक लग रहा है। पावर आउटपुट की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलता है 5 volts 1 ampere का पावर का ये, यानी एक बेसिक सा ये चार्जर है। एंड हमें मिलता है लास्टली एक इसके अंदर microUSB केबल, जो कि होगा आराम से 1 meter लेंथ का आराम से होगा। ये रहा गाइस मोबाइल को, चलो निकाल लेते हैं पैकेट से एंड आप देख सकते हो ये कितना कूल से कलर में आपको नजर आ रहा है, सफायर ब्लू एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है, तो काफी ब्यूटीफुल सा कलर इसका है एंड डिजाइन काफी अमेजिंग है मोबाइल फोन का, आप देख सकते हो। तो चलो सबसे पहले इसके फिजिकल ओवरव्यू पे आते हैं। आपको बैक साइड में सबसे पहले 5 MP का रियर कैमरा देखने को मिलता है LED फ्लैश लाइट के साथ, फिर आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको स्पीकर का प्लेसमेंट दिया गया है एंड यहाँ पे आपको बेनको का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। बैक पैनल जो है प्लास्टिक का बना हुआ है एंड सफायर ब्लू एंड ब्लैक का मिक्स किया हुआ है डिजाइनिंग पे। राइट साइड पे तो आपको यहाँ पे पावर बटन मिलता है एंड वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाता है। बात करो लेफ्ट साइड की तो कुछ भी नहीं है। टॉप में आपको मिल जाता है यहाँ पे हेडफोन जैक 3.5mm का एंड आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है microUSB। फोन के नीचे बात करो तो यहाँ आपको मिलता है माइक का प्लेसमेंट। फ्रंट साइड पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको मिलता है 5 inch का डिस्प्ले मिल जाता है, आगे आपको मिल जाता है 2 MP का फ्रंट कैमरा। नीचे आपको कुछ बटन्स दिए गए हैं, बैक बटन, होम बटन एंड यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस बटन दिया गया है। एंड गाइस, मैंने इसके ऊपर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लिया था क्योंकि मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। आप जब लोगे तो आपको चॉइस पे डिपेंड करता है आप लगवाना चाहो या नहीं, तो मैंने टेम्पर्ड ग्लास इस पे लगवा दिया था। तो चलो बैक पैनल नीचे से रिमूव हो जाता है इस तरीके से। अच्छा है, रिमूवेबल बैक है ना, तो आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है या किसी को अगर एकदम बेसिक फोन की जरूरत है, आप अपना सेकेंडरी फोन लेना चाहते हो, तो इस फोन का आप ले सकते हो। काफी अच्छे फीचर्स के साथ आता है, काफी सही प्राइसिंग में आता है।
तो बैक पैनल ओपन करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, लेफ्ट एंड राइट पे आपको सिम वन एंड सिम टू डालने का ऑप्शन मिलता है। इस फोन के अंदर आपको 4G नेटवर्क देखने को मिलता है, तो इसके अंदर जियो एयरटेल सारे नेटवर्क काम करने वाले हैं। ये रहा बैटरी लगाते हैं, चलो इसको अंदर। ये मोबाइल फोन BIS गवर्नमेंट सर्टिफाइड है एंड बैक पैनल को इसके बाद इस तरीके से आपको लगा देना है। इस तरीके से मैंने लगा दिया एंड बैटरी लगाने के बाद फोन का वेट ठीक ठाक सा लग रहा है, अच्छा खासा वेट यहाँ पे हाथ में फील हो रहा है। तो चलो इसे पावर ऑन करते हैं एंड आते हैं इसके फीचर्स पे। तो ये रहा स्विच ऑन हो रहा है, बेनको लिखा हुआ है एंड पावर्ड बाय एंड्रॉइड गो एडिशन। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड वर्जन 9 मिलता है, गो एडिशन आपको मिलता है। जब आप पहली बार फोन को लोगे तो आपको सेटअप करना पड़ेगा, मैंने सेटअप कर लिया है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे मेन्यू ओपन होगा। चलो गाइस अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 5 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, TFT स्क्रीन है। आपको ब्राइटनेस अच्छी खासी मिल जाती है, फुल ब्राइट पे अभी किया हुआ है। मैं आपको इसका आउटडोर विजिबिलिटी भी दिखा दूंगा। इंडोर में आप देख सकते तो काफी अच्छा आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलता है। चलो मैं आपको आउटडोर पे ले चलता हूँ एंड आउटडोर पे इसका स्क्रीन विजिबिलिटी आपको दिखाता हूँ। टच रिस्पॉन्स की बात करूं तो टच रिस्पॉन्स भी काफी स्मूथ मिलता है, तो अच्छा खासा स्क्रीन साइज है। आपको अगर यूज करना है बड़े स्क्रीन पे आप वीडियोस भी देख पाओगे, 5 इंच का अच्छा खासा बड़ा स्क्रीन है। इस पे आप वीडियोस एंजॉय कर पाओगे, यूट्यूब पे मूवीज देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, सब कुछ कर पाओगे एंड बड़े स्क्रीन पे आप रीड भी कर पाओगे, पढ़ भी पाओगे अगर आपको कुछ पढ़ना है तो। चलो सेटिंग्स पे ले चलता हूं, इसका मैं आपको एंड्रॉइड वर्जन दिखाता हूं। सेटिंग्स में चलते हैं, सबसे नीचे चलेंगे, सिस्टम पे चलेंगे एंड यहां पे अबाउट फोन में चलते हैं। तो बेनको Y40 दिख रहा है, नीचे मैं आपको ले चलता हूं। ये रहा, यहां आप देख सकते हो अंदर आपको 1GB का RAM एंड 32GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत बेसिक सा फोन है तो उतना इसमें आप हेवी गेम तो नहीं कर पाओगे, इसलिए बेसिक सा 1GB का RAM दिया गया है। मल्टीटास्किंग आप कर पाओगे, फेसबुक इंस्टाग्राम इस तरीके के एप्लीकेशंस आप चला पाओगे, नॉर्मल यूज कर ले ठीक है। 32GB का स्टोरेज है तो वीडियोस फोटोज पिक्चर सॉन्ग सब कुछ आप रख सकते हो। इसके अंदर आपको क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है 1.4GHz का एंड एंड्रॉइड वर्जन 9 पे ये वर्क करता है। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा एंड्रॉइड वर्जन 9 पे ये काम करता है एंड सिक्योरिटी पैच दिया गया है July 5, 2022, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट है। तो ये है गाइस कुछ फोन। UI की बात करूं तो बहुत बेसिक सा है, आप इस तरीके से पावर बटन दबा के अनलॉक करोगे। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना आएगा, मैंने Z सेट कर रखा है। आप यहाँ पे अपना पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, फेस लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक सब डाल सकते हो। इस तरीके का आपको मेन्यू देखने को मिलता है। सबसे टॉप में आपको गूगल सर्च का यहाँ पे आपको एक विजेट दिया गया है। नीचे यहाँ पे कुछ आपको फोल्डर्स बने हुए हैं, लाइक यूट्यूब आप एक्सेस कर सकते हो, गूगल मैप्स यहाँ से कर सकते हो, जीमेल, डुओ, क्रोम, प्ले स्टोर। नीचे आपको फोन शॉर्टकट्स दिखते हैं, जैसे कॉल का, कॉन्टेक्ट्स का, मैसेजिंग का, कैमरा का। राइट साइड स्वाइप करोगे तो कैलकुलेटर, इस तरीके के बेसिक एप्स दिए गए हैं, साउंड रिकॉर्डर, म्यूजिक, स्टोरेज, सेटिंग, फाइल मैनेजर, हर चीज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही बेसिक UI है एंड बहुत ही आपको यूजर फ्रेंडली रहने वाला है। हर कोई इसे आसानी से चला पाएगा, ज्यादा हेक्टिक नहीं होने वाला है। चलो बात करते हैं इसके कैमरा की। कैमरा मिलता है आपको 5MP का बैक कैमरा, 2MP का फ्रंट कैमरा। तो अगर आपको बेसिक फोटोज की पिक्चर करने हैं, क्लिक करने हैं, या फिर अगर आपके ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए एक अच्छा फोन देना है अपने घर के बच्चों को या फिर अपने खुद के लिए, तो आप सस्ते फोन ले सकते हो। कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में ये आता है। आप आराम से इसमें वीडियो कॉलिंग कर पाओगे, गूगल मीट, जूम कॉल सब कुछ कर पाओगे एंड अपने ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो। चलो कैमरा सैंपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने कैमरा ऑन कर दिया है एंड मेरे स्टूडियो पे अभी अच्छे खासे लाइटिंग कंडीशन है, तो बहुत ही अच्छा मुझे इसका कैमरा परफॉर्मेंस लग रहा है 5MP का होते हुए भी। जैसे मैं अभी आपको इसका इस प्लांट का फोटो क्लिक करके दिखाता हूं। तो चलो मैंने प्लांट का फोटो क्लिक कर लिया। इसके अंदर आपको HDR सेटिंग भी दिखता है, HDR मोड को ऑन कर देते हैं। चलो अभी HDR में ले लेते हैं फोटो। ये रहा HDR पे ले लिया है मैंने, फ्लैशलाइट के साथ भी आप ले सकते हो एंड एक सेल्फी में ले लेता हूं, उसके बाद आपको मैं सारे सैंपल्स अभी दिखाता हूं। ये रहा गाइस, इसका कैमरा भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है। अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये रहा मेरा सेल्फी। इसका जो फ्रंट 2MP का कैमरा मिलता है, काफी अच्छा क्वालिटी आया है, अच्छे खासे लाइटिंग कंडीशन है मेरे स्टूडियो पे। अगर आप देख सकते हो मेरे बियर्ड्स को एंड बाकी फोटोज पे और ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट, कलर्स करेक्शन, कलर्स एंड स्क्रीन टोन जो किया है, काफी अच्छे तरीके से इसने मैनेज कर लिया है। अब आते हैं सेकेंडरी कैमरा के फोटो पे, बैक कैमरा के फोटो पे। ये रहा आप देख सकते हो प्लांट का जो फोटो मैंने लिया हुआ है, काफी अच्छा यहाँ पे आपको ग्रीनरी देखने को मिल रहा है एंड अच्छे से यहाँ पे फोटो आया हुआ है। बेसिक सा है, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, 5MP का कैमरा दिया गया है तो आपके यहाँ पे बेसिक पर्पस के लिए ठीक है। इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का भी आपको फीचर दिया गया है, फ्रंट में भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैक्सिमम रेजोल्यूशन आप यहाँ पे फ्रंट पे 720 में कर सकते हो। सो गाइस अभी आप जैसे सैंपल देख रहे हो, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ्रंट कैमरा से, जो रिकॉर्ड हो रहा है 720 पे एंड अभी जो ऑडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है ये इसी के कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। चलो बैक कैमरा का सैंपल आपको दिखाता हूँ। सो गाइस बैक कैमरा पे आपको रेजोल्यूशन मिल जाता है मैक्सिमम रिकॉर्ड करने का 1080 तक। तो चलो बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो।
सो हाय गाइस, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये रिकॉर्ड हो रहा है इस बेनको Y40 मोबाइल के बैक कैमरा से, जो कि है 5 मेगापिक्सल का एंड 1080 पिक्सल्स पे भी ये रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी आपको पिक्चर का क्लैरिटी, वीडियो की क्लैरिटी एंड ऑडियो का पता चल पा रहा होगा कि किस तरीके से इसमें रिकॉर्ड हो पाता है। तो ये थे गाइस कुछ सैंपल, देखा आपने बहुत ही अच्छा डिसेंट कैमरा आपको मिलता है इतने कम प्राइस के फोन पे। प्राइसिंग पे आता हूँ जल्दी ही। इसके अंदर आपको यूट्यूब का गो एडिशन देखने को मिलता है, हालांकि आप प्ले स्टोर से यूट्यूब ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। इस फोन में आपको सारे बेसिक फंक्शंस दिए गए हैं, लाइक वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो, हॉटस्पॉट भी क्रिएट कर सकते हो इस डिवाइस से। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या इससे हम अपने डिवाइस से हॉटस्पॉट यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आप इसमें सिम कार्ड डाल दो, सिम कार्ड में अगर आपका इंटरनेट रिचार्ज रहेगा आप हॉटस्पॉट ऑन करो एंड इसको एज अ हॉटस्पॉट डिवाइस आप यूज कर सकते हो। इसके कनेक्शन से आप बाकी डिवाइसेस को वाईफाई कनेक्शन आप दे सकते हो, तो उस पर्पज के लिए भी आप इसे ले सकते हो। तो मैंने इसे अभी वाईफाई से अपना कनेक्ट कर लिया है, गूगल अकाउंट मुझे कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस ये है इसका कुछ साउंड आउटपुट, काफी सारे फंक्शंस इसमें दिए गए हैं। सो गाइस आप देख सकते हो ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया था, 3400 रुपीस इसका प्राइस पड़ा था, आपको भी मिल जाएगा। तो गाइस आपने इसका ऑडियो क्लैरिटी सुना, अच्छा खासा आपको डिसेंट सा साउंड क्लैरिटी मिलता है, वीडियो चल रहा है मैक्सिमम 1080 पिक्सल्स पे। चलो एक सॉन्ग मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल पाएगा। अब बात करते हैं गाइस इसके बैटरी बैकअप की। इसके अंदर आपको मिलता है 2500 mAh का बैटरी, तो आपको ना ये नॉर्मल यूज पे तो 1.5 दिन तक आराम से चल जाएगा एंड अगर आप हेवी यूज कर रहे हो तो आराम से ये दिन भर चलने वाला है। 2500 mAh का आपको इसके अंदर बैटरी देखने को मिलता है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छे से किया गया है एप्स एंड रैम का। अब बात करते हैं गाइस इसके फिंगरप्रिंट लॉक की, तो मैंने इसमें फिंगरप्रिंट अपना रिकॉग्नाइज करवा दिया है, पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट मिलता है। तो चलो आप देखना कि किस तरीके से ये ओपन होता है, ये रहा, फिर मैंने लॉक किया, फिर आप टच करता हूं 3, 2, 1, ये रहा 3, 2, 1। तो गाइज आपको माइन्यूट सा डिले देखने को मिलता है बट फिंगरप्रिंट सेंसर हर बार अच्छे से काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, देख सकते हो बहुत सही से इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर काम कर रहा है। अब आते हैं सबसे मोस्ट अवेटेड पार्ट पे, इसके प्राइसिंग पे। काफी कम प्राइस में मैंने ये परचेज किया है ऑफलाइन मार्केट पे, ये मैंने खरीदा है सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपीज में। सो गाइस इस फोन का लिंक अगर मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, काफी बेहतरीन फोन है। आपने देखा कितने अमेजिंग भर भर के फीचर्स मिलते हैं इतने कम प्राइस में, सिर्फ 4500 रुपीज में मैंने परचेज किया है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने लोकल एरिया में चले जाना है, अगर लोकल एरिया में आपकी जो मोबाइल फोन शॉप है वहां जाकर के आप बेनको Y40 के मोबाइल के बारे में पूछ सकते हो, मेरा ये वीडियो उनको दिखा देना, अगर उनके पास अवेलेबल होगा ये डिवाइस तो आप इसे जरूर परचेज कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन आप पूछोगे ना, कंक्लूजन की बात करें, 4500 रुपीज में 1 GB का रैम, 32 GB का स्टोरेज, एंड्रॉइड 9 वर्जन मिलता है, 5 इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, ब्राइट स्क्रीन मिलता है, साउंड क्लैरिटी ठीक ठाक मिल जाती है, 4G मोबाइल फोन है। अगर आप स्विच कर रहे हो बटन वाले फोन से एंड्रॉइड फोन पे एंड आपका बजट टाइट है या फिर आपका ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा यूज नहीं है, तो आप इस बेनको के Y40 मोबाइल फोन को कंसिडर कर सकते हो। इतने अच्छे डिजाइन, इतने अच्छे कलर्स में आता है। हाँ, इसके साथ 2 कलर्स आता है, एक ये सफायर ब्लू है एंड एक और कलर कॉम्बिनेशन आता है, तो वह आपको मार्केट में पता चल जाएगा, जाकर देख लेना। अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, तो और क्या चाहिए, अगर आपको एक डिसेंट फोन चाहिए या फिर अपने लिए सेकेंडरी फोन चाहिए 5000 के नीचे वाले बजट में, तो आप इसे 4500 रुपीस में परचेस कर सकते हो ऑफलाइन मार्केट से, या ऑनलाइन अगर लिंक मिल जाएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। सो गाइस वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको ये बेनको का Y40 मोबाइल फोन वर्थ इट लगा या नहीं लगा, एंड शेयर करना इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अमेजिंग वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।